जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करे क्या ना करे, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमल की एकादशी रंग भरी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा यह भक्तों की रक्षा करने वाली है। यह व्रत मोक्ष प्रदायक धन वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। इस व्रत में जो कि आमले के वृक्ष के नीचे कलश को स्थापित करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के जो कि परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए और इस दिन भगवान को विशेष करके जो कि आंवला अर्पित करनी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। दसवीं के दिन और एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दसवीं के दिन हविष्यान्न भोजन ग्रहण किया जाता है, जैसे कि जौ गेहूं घृत सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके जो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। और रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए दसवीं की रात्रि सोनी चाहिए। एकादशी की सुबह जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करके जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। भगवान को जो कि पंचरत्न अर्पित करनी चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्यादि ऋतु फल आदि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार सुबह शाम पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और इस व्रत का पारण जो कि द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने पर व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 2:24 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 22 मार्च की सुबह 4:45 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त जो कि 21 मार्च को सुबह 9 बजे हरिवासर समाप्त होगा। तो इस व्रत का जो पारण किया जाएगा वह पारण 21 मार्च 2024 दिन
गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी भक्तजन व्रत धारण करने वाले हैं वो 19 मार्च को दसवें दिन के नियम का पालन करेंगे, 20 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को अमल की एकादशी रंगभरी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 21 मार्च को जो पारण का समय है वह समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोदधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। 20 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का 20 मार्च को जो समय है वह समय सुबह 4:50 से सुबह 5:37 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का जो समय है 20 मार्च को वह दोपहर 12:05 से दोपहर 1:36 तक और 21 मार्च को दोपहर 1:36 से दोपहर 3:07 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 मार्च को योग जो कि अति गंड योग है शाम 5:01 तक, उसके बाद सुकर्मा योग। 20 मार्च को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:25 से शुरू होकर के रात्रि 10:38 पे रवि योग समाप्त है। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा रात्रि 10:38 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। तो जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और अंत में जो कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।